बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे पाकिस्तानियों। आज लाइव जाने के बजाय मैंने सोचा कि मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करूं, और क्यों कि मैंने जो मोटिवेशन का सिलसिला शुरू किया है उसमें एक वीलॉग बना के मैं इसको अपलोड करूं, वरना नहीं तो मैं लाइव हमेशा प्रोग्राम करता हूं। आज का जो टॉपिक है, मेरे पाकिस्तान के बच्चे कल के लीडर। मैं आज की जो वीडियो है ये मैं अपने तमाम पाकिस्तान के जो यंगस्टर्स हैं, वो चाहे हमारी बेटियां हैं चाहे हमारे बेटे हैं, उन तमाम के लिए है, और उनके तमाम जो पेरेंट्स हैं वो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके लिए। देखिए, दुनिया के अंदर जब भी कोई भी तहरीक आई है तो उसके अंदर सबसे ज्यादा रोल यंगस्टर्स का रहा है, तो चाहे हमारी बच्चियां थी चाहे हमारे बच्चे थे। आज पाकिस्तान के अंदर हमें इस वक्त उस रेवोल्यूशन की जरूरत है जिसमें जो मौजूदा करप्ट क्रिमिनल सियासी सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, इसके अगेंस्ट। लेकिन रेवोल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि आप तलवार उठा लीजिए, आप गन उठा लीजिए। रेवोल्यूशन देखिए, जो जिंदा कौमें होती हैं ना, वो रेवोल्यूशन अमन से ही ले आती हैं। सबसे पहले आपका जो तहैया ये है कि कमिंग इलेक्शन के अंदर आपने जिसको मर्जी वोट दें, लेकिन सिर्फ ये सोच के दें कि वो क्रिमिनल तो नहीं है, वो टेररिस्ट तो नहीं है, क्या उसकी हिस्ट्री ऐसी रही तो नहीं है, उसको वोट मार दीजिए। अपनी वोट को, आपके वोट का जो एक बहुत इंपॉर्टेंस है, अक्सर लोग कहते हैं ना कि मेरा वोट अगर मैं नहीं डालूंगा तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ेगा। नो, आपका एक एक वोट जो है ना बड़ा वैल्यूएबल है। तो आप जो रेवोल्यूशन अभी पाकिस्तान आपसे मांग रहा है, पहली रेवोल्यूशन वो ये है कि इलेक्ट इनोसेंट, इलेक्ट ऑनेस्ट, इलेक्ट वेल एजुकेटेड, वेल बिहेव्ड, वेल मैनर्ड लीडर्स। पाकिस्तान में अभी तक कोई पॉलिटिशियंस पैदा ही नहीं हुआ। अगर कोई कहे ना मैं पॉलिटिशियंस हूं, यह हूं, ये सब फ्रॉडी है, मेजोरिटी फ्रॉड है, धोखा फ्रेम, हर चीज। सिर्फ और याद रखिएगा कि इमरान खान भी पॉलिटिशियंस नहीं है, बट ही इज द ऑनेस्ट लीडर जिसकी पाकिस्तान को सख्त जरूरत है, इस कौम को सख्त जरूरत है उस लीडर की जो सच्चा हो, ऑनेस्ट हो, जिसको अपनी जात के लिए कोई लालच ना हो। तो इमरान खान एक सच्चा लीडर है, ऑनेस्ट लीडर है, और उससे गलतियां होती हैं तो वो ओपनली माफी भी मांगता है, वो डीट इंसान नहीं है। तो ऐसे ही लोग जो होते हैं ना, वो अच्छे बॉन्स लीडर होते हैं। तो ये है रेवोल्यूशन का पहला सबक। मैं आप तमाम यंगस्टर्स को ये रिक्वेस्ट करता हूं कि बच्चों मेरे, याद रखो, अगली बारी आप लोगों की है। यू आर द एसेट ऑफ पाकिस्तान। आप लोगों ने इस पाकिस्तान की बाग दौड़ संभाल ली है। आप चाहे गरीब बैठे हुए इस वक्त, गली में बैठे हुए इस वक्त, छोटे कारोबार में बैठे हैं इस वक्त, स्टूडेंट है इस वक्त, कभी ये ना सोचिएगा कि यार हम तो बन ही नहीं सकते। नो, अल्लाह ताला ने आप सब के अंदर खूबियां रखी हैं, आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं लीड करने की, उसको खुदारा एक्सप्लोर कीजिए, उनको एक्सप्लोर कीजिए और उसको यूटिलाइज करते हुए आगे आइए। इमरान खान का साथ देंगे आप, यकीन कीजिए आप लर्न करेंगे हाउ टू रन कंट्री, हाउ टू बिकम अ लीडर। ये हमें बहुत जरूरी है। और प्लस मैं सबसे एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये जो छोटे मोटे क्राइम हम करते हैं,
किसी की चीज उठा ली, किसी का कुछ कर लिया, कौन देख रहा है। इससे भी हमने एक दूसरे को मोटिवेट करना है। जब हम खुद ऑनेस्ट होंगे ना, मेरी जात ऑनेस्ट होगी, तो इंशाल्लाह मेरी आगे औलाद, मेरे दोस्त यार भी ऑनेस्ट होंगे। ये सोच के ना, तो आप काइंडली इस चीज के ऊपर आप आइए। मैं आप सब पाकिस्तान के जो बच्चे हैं, बेटियां हैं, सबसे मैं ये बात कह रहा हूं, मुझे आप पे पूरा इत्माद है, भरोसा है। मैंने बहुत दुनिया देखी है, आप यकीन कीजिए, जैसे मेरे आप पाकिस्तानी बच्चे हैं ना, यकीन मेहनती हैं, इंटेलिजेंट है वो, और वो उधर अवेयरनेस रखते हैं। सिर्फ छोटी सी गाइडलाइन की जरूरत है आपको, और कुछ नहीं है। मैं आप सबके साथ हूं, पूरे पाकिस्तान के साथ। आप कहीं भी पूरे पाकिस्तान में रह रहे हैं, आप मेरे पाकिस्तानी बच्चे हो। मैं आप सबसे मोहब्बत करता हूं बड़े दिल से। आप सब ने, चाहे आप रूरल एरिया में क्यों नहीं रह रहे, बलोचिस्तान के कहीं छोटे से इलाके में क्यों नहीं रह रहे, सिंध के छोटे से इलाके में क्यों नहीं रह रहे, पंजाब के किसी रूरल एरिया में रह रहे हो, फाटा में, गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर में, कहीं भी रह रहे हो, मत सोचिए कि आप नहीं बन सकते। बिल्कुल बन सकते हैं आप में सब में खूबियां हैं। बस एक चीज याद रखनी है मेरे बच्चों, टेम्परामेंट नहीं कभी लूज करना। याद रखे, जो गुस्से में आता है ना, वो हमेशा हारता है। आपको समटाइम किसी की चीज बुरी भी लगे ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह बोल दें, अल्लाह को याद करें, खुदा की तरफ देखें कि अल्लाह मियां, मैं गुस्से में, मुझे गुस्सा, आपको पता वैसे ही हराम है हर मजहब में। तो अपने अंदर कूलनेस वो रखिए। जब आप कूल रहेंगे, आपका ब्रेन काम करेगा, आपको बॉडी जो है उसके अंदर शिवरनेस पैदा नहीं होगी। वो आपकी जो बॉडी है वो खुद कहेगी कि हाँ, आप ये नहीं, ये फैसला करो। तो मैं ये आज की जो मोटिवेशन मैं अपने बच्चों के लिए रखी है, इन आज पेरेंट के साथ भी बात करूंगा कि आप ही काइंडली अपने बच्चों से ना, मतलब हमारे यहाँ बहुत है, थप्पड़ मारा, इधर मारा, इधर से मारा, बच्चा उधर बैठा, तू इधर क्या कर रहा है, बड़ों की बातें क्यों सुन रहा है, चल इधर से उठ। वो जमाना क्या, वो जमाना चला गया। अब अवेयरनेस का जमाना है, मॉडर्न जमाना है। मॉडर्न जमाना ये नहीं कि कपड़े उतार के बाहर डांस करना शुरू कर दे, सॉरी टू से, मेरे कहने का मतलब मॉडर्न जमाना है कि आप बच्चों से बात करें, बच्चों को इनिशिएटिव दें, बच्चों से मशवरा भी करें। घर में बैठे हैं ना, इवन पेंट कराना है, कुछ भी करना है, बच्चों से पूछे, खाना बनाना है, अच्छा बच्चों आज क्या बनाया जाए, अच्छा बच्चों बाहर चले। जब आप अपने बच्चों को अच्छे ट्रीट करेंगे, प्यार से ट्रीट करेंगे ना, तो आपके बच्चे कुछ बन के दिखाएंगे आपको, और आपके लिए एक प्राउड होगा। तो जब वो इस पाकिस्तान को लीड करेंगे, तो फिर उस वक्त सोचिए पूरी कौम उसके ऊपर प्राउड करेगी। तो ये बड़ा जरूरी है, हमारे इंटरलिंक रहना है हमने। और क्योंकि हम वो बुजुर्गों में आ रहे हैं जिन्होंने अपने वोट उन करप लोगों को लाते रहे, दे दे के बिरयानी खा के, किसी को मुर्दा भुट्टो को जिंदा करके, कभी कोई नारा लगा के, कभी कोई नारा लगा के। लेकिन नहीं, हम रियलिटी में नहीं रहे, हमने रियलिटी से काम लिए ही नहीं है। हमने नारों के पीछे फोके, नारों पिछले उन्होंने माल लूटा, वो जा रहे हैं, कोई दुबई में प्रॉपर्टियां बना रहा है, कोई अमेरिका में बना रहा है, कोई इंग्लैंड में बना रहा है, और उनके बच्चे बार बार ये उम्मीद लगा बैठे मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा अगला। भाई क्यों, आप मेरे जो 220 मिलियन बच्चे हैं, पॉपुलेशन है, उसमें जो बच्चे हैं, क्या आप लोगों का हक नहीं है? बिल्कुल है। आप खुद सोचिए कि जरदारी का बच्चा, उसकी औकात है कि नौकरी करने की भी, किसी फैक्ट्री के अंदर इंटरव्यू भी जाए, उसको केक आउट कर देंगे अगले, दर्जा चारम की नौकरी ना मिले। वो मरियम है, वो किसी का घर है, अपने घर है, उसको बर्तन साफ करने के लिए ना रखे, वो चोर नहीं है, इतने बड़े नाखून रखे हुए हैं, गंदगी से भरे हुए, पता नहीं वो अपने खाती कैसी होगी, तो सफाई कैसे करती होगी। तो ये जो चीजें, ये सोचने की बातें हैं, ये सोचने की बातें हैं कि आप बच्चे मेरे जो पाकिस्तान में, आप आ गए हो यार, छोड़ो इनको चोरों को, ये हमारे फॉल्ट थे यार, हमारे फॉल्ट, माफ कर दो यार, हमसे गलतियां हुई, लेकिन अभी आपने बागडोर संभालनी है।
मैं अब आपको ओपनली कह रहा हूं कि इमरान खान एक ट्रू और सच्चा लीडर है जो आपको लीड कर रहा है, लेकिन वो खुद सोचिए वो भी 70 ईयर्स, ठीक है, प्लस माइनस, तो जिंदगी की एक एवरेज है, वो एज होती है ना। तो अभी थ्रू आउट हम इमरान खान के ऊपर उम्मीद रखेंगे, वो ही लीड करता रहे, कब तक वो भी जिंदगी उसकी रहे, अल्लाह ताला उसको लॉन्ग जिंदगी दे, लेकिन एक लिमिट है ना इंसान की। आप नहीं इमरान खान, बिल्कुल बन सकते हैं आप, तहिया कर लें, होटल जो ट्रक ड्राइवर के होटल में बैठ कर खाना खाना है कोई बात नहीं, बन्ने में बैठ कर खाना खा लें, थोड़ा खा लें, लेकिन प्यार का खा लें और ईमानदारी का खा लें, हलाल खा लें। तो ये जो चीजें हैं मेरे बच्चों, मेरे सब पाकिस्तानियों, इस चीज पे हमें सब के साथ जुड़ना है, प्यार से मोहब्बत करनी है। अपने घर से आज शुरू कीजिए, मोहल्ले में बात कीजिए, शहरों में बात कीजिए, मोहब्बत प्यार अखुत पैदा कीजिए। हम सबको अल्लाह ताला जोड़े रखे और हम इसी तरह एक पाकिस्तान की मजबूत कौम बन के उभरे और अपनी पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान को मजबूत बनाए। याद रखिएगा कि हमने करप्ट और क्रिमिनल्स को नहीं छोड़ना। नो मर्सी फॉर द ट्रेटर्स, नो मर्सी फॉर द ट्रेटर्स। अल्लाह ताला हम सबको हदायत दे, जोड़े रखे। आज का मोटिवेशन इधर ख़त्म करता हूँ। तो पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।